Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. My dear student, my name is Rana Rashid. I am your English teacher. Today, we are going to lecture number 2, English class 10, Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam and embodiment of justice. Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Mujassam-e-Insaf. Translation, paragraph number 4, 5, 6. Dear student, आज हम पैराग्राफ नंबर 4, 5, 6 की ट्रांसलेशन करेंगे विद वर्ड मीनिंग। यहाँ पर मैंने वर्ड मीनिंग लिख दिए हैं, आप पैराग्राफ 4, 5 में 4, 5, 6 में उनको नोट करेंगे। नेक्स्ट जो है मैं अभी आपके लिए पैराग्राफ नंबर 4, 5, 6 की ट्रांसलेशन करूंगा। पैराग्राफ नंबर 4 देखेंगे। ड्यूरिंग दिस सर्मन An Ansari seeing some men from the tribe of Banu Sahaba sitting there stood up and pointed toward them and said, O messenger of Allah, their ancestors killed a member of our family. खुतबे के दौरान एक अंसारी जो वहां बैठा था बनु साहबा के चंद लोगों को देखकर उठ खड़ा हुआ और उनकी तरफ इशारा करके कहा, या रसूलल्लाह, इनके अबाजदाद ने हमारे खानदान के एक फर्द को कत्ल कर दिया था। वी अपील टू यू टू गेट वन ऑफ देम हैंग इन एक्सचेंज फॉर डेथ। हम आपसे दरख्वास्त करते हैं कि उसके बदले में उनमें से एक को फांसी दी जाए। द होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रिप्लाइड, द रिमेन्स ऑफ द फादर कैन नॉट बी टेकन ऑन हिज सन। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब दिया, बाप का बदला उसके बेटे से नहीं लिया जा सकता। पैराग्राफ नंबर 5, द रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आल्सो वेयर नोन फॉर हिज जस्टिस दैट इवन द ज्यू हु वर हिज बिटर एनिमी ब्रॉट देयर फूड टू हिम एंड ही डिसाइडेड द केसेस इन अकॉर्डेंस विद द ज्यूइश लॉ। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो अपने इंसाफ की वजह से बहुत मशहूर थे, हत्ता के यहूदी जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सख्त दुश्मन थे, अपने मुकदमा फैसले के लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास लाते और आप रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहूदियों के कानून के मुताबिक उनका फैसला कर देते। He very strictly followed the commandment of Allah। उन्होंने अल्लाह के हुक्म पर सख्ती से अमल किया। If they come to you, either judge between them or decline to interfere। अगर वो आपके पास फैसले के लिए आए तो उनके दरमियान अगर से फैसला कर दो या मुदाखलत करने से इनकार कर दो। इफ यू डिक्लाइन दे कैन नॉट हर्ट यू इन द लीस्ट। अगर आप इनकार कर देते हैं तो वो आपको जरा भर भी नुकसान नहीं पहुंचा सकेंगे। इफ यू जज इन इक्विटी बिटवीन देम, अगर आप फैसला दो तो उनके दरमियान इंसाफ से फैसला फरमाएं। फॉर अल्लाह लव दोज़ हू जज इन इक्विटी, क्योंकि अल्लाह ताला उन्हें पसंद करता है जो अदल से फैसला करते हैं। डियर स्टूडेंट, अब बढ़ेंगे पैराग्राफ नंबर 6 की जानिब। जस्टिस डिमांड दैट इट शुड बी अपहेल्ड इन ऑल द सर्कमस्टेंसेस। इंसाफ तकाजा करता है कि उसे तमाम हालात में बरकरार रखा जाए। Even if it goes against one's own self or one's family or relation, चाहे ये हमारे अपने खानदान या रिश्तेदारों के खिलाफ ही क्यों ना हो। All of his life, Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam judged other people's affairs with justice and told his companions to be just. अपनी पूरी जिंदगी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दीगर लोगों के मामलात में इंसाफ बरता और अपने साथियों को भी इंसाफ पसंद रहने की ताकीद फरमाई। इट इज रिपोर्टेड बाय हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु दैट अल्लाह रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सेड टू हिम। हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे यूं इरशाद फरमाया, व्हेन टू मेन कम टू यू फॉर जजमेंट, Never decide in favor of one without hearing the arguments of the other. जब दो आदमी तुम्हारे पास इंसाफ के लिए आए तो दूसरे के दलायल सुने बगैर पहले के हक
बात में फैसला कभी ना देना। It is then most likely that you will know the truth. इस बात का कभी इम्कान है कि तुम सच्चाई जान लो। हजरत मुआविया रजी अल्लाह ताला ने रिपोर्टेड अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, any ruler who clothes his door on the poor, the needy and the destitute, Allah clothes his door on him when he becomes needy and destitute. हजरत अमीर मुआविया रजी अल्लाह ताला ने रिवायत करते हैं कि उन्होंने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना, जब कोई हुक्मरान गरीबों, जरूरतमंदों और मोहताजों पर अपने दरवाजे बंद कर देता है तो अल्लाह ताला उस पर उस वक्त अपना दरवाजा बंद करता है जब वो जरूरतमंद और मोहताज हो जाता है। डियर स्टूडेंट, ये थे हमारे पास पैराग्राफ नंबर 4, 5 और 6 की ट्रांसलेशन विद वर्ड एंड मीनिंग। आई होप कि आपको ट्रांसलेशन अच्छे तरीके से समझ आ जाएगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी। अल्लाह बेटा, मैंने ये वर्ड मीनिंग यहाँ पर लिखे हैं, मैं इन वर्ड के मीनिंग बोलता जाऊंगा और आपने क्या करना है कि साथ साथ इनको अपनी बुक्स पर जो है फिल करना है। कोई वर्ड नहीं रहना चाहिए ताकि आपको ट्रांसलेशन करने में आसानी हो। तो पहला वर्ड है हमारे पास सरमन, खुतबा, एंसेस्टर, अबा अजदाद, रिप्लाई, जवाब दिया, रिवेंज, बदला, वेल नोन, मशहूर, ज्यूज, यहूदी, बिटर, जानी, यासा, स्ट्रिक्टली, सख्ती से, इंटरफेयर, मुदाखलत, सर्कमस्टांसेस, हालात, जजमेंट, फैसला, आर्गुमेंट, दलाई। उसके बाद नीडी, जरूरतमंद, डेस्टिट्यूट, मोहताज। डियर स्टूडेंट, ये थे वर्ड मीनिंग। आप अच्छे तरीके से अपनी बुक को फिल करना है। और इसके साथ साथ मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमने जो ये बड़ी मेहनत के साथ लेक्चर आप लोगों के लिए तैयार किए हैं, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इन तमाम लेक्चर को बार बार देखें, समझें। उसके बावजूद अगर कोई बात, कोई चीज आपको समझ में नहीं आती, आप व्हाट्सएप पर मेरे साथ रब्ता कर सकते हैं, मैं वहां पर मौजूद होगा आपकी किसी भी परेशानी को, प्रॉब्लम को दूर करने के लिए। थैंक यू।